हेलो गाइस, दिस इज अनियन, वेलकम टू टर्बो एक्सट्रीम। तो कैसी अपनी टर्बो फैमिली? तो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट शाम के 5 दिख गए होंगे, एंड मेरे को जाना है एनएसपी, कुछ काम है। तो मेरे को लगा कि चलो आपको एक नई कार भी दिखा देता हूँ इसी बहाने, और काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चल रहे हैं जैगुआर एफ पेस लेके। दिस इज अ लग्जरी एसयूवी, टेक्निकली बात करें तो जैगुआर की पहली एसयूवी है जो लॉन्च हुई थी, एंड सीधा कार पे चलते हैं। तो भाई अपन सीधा चल रहे हैं पहले ड्राइव पे, बाद में आके दिखाऊंगा कार पूरी। तो बैठते ही पहले ये सुंदर सा इसका कॉकपिट। सो दिस इज अ वर्चुअल कॉकपिट, डिजिटल ओडोमीटर है कम्प्लीटली। तो यहाँ पे आपको जीपीएस दिख रहा है, ये स्पीडोमीटर, देन आरपीएम मीटर और बाकी बहुत सारी डिटेल। तो फ्यूल दिखा रहा है 165 किलोमीटर पेंडिंग में। देन कंप्लीट कंट्रोल्स, तो यहाँ पे कंप्लीट ऑडियो कंट्रोल्स, ये क्रूज कंट्रोल, इसमें पैडल शिफ्टर है। तो आज पैडल शिफ्टर बहुत अच्छे से बता दूंगा, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे कि समझ में नहीं आया जो आपने बताया था। तो सेंटर में अगर यहाँ से देखें तो ये दो कप होल्डर, ये बंद हो गया। तो ये आ गया इसका ट्रैक्शन ऑन ऑफ, देन ये मोड्स आ गए। तो इको मोड पे अभी कार है, ये लाइट जल रही, देन ये स्नो मोड पे आ गई, देन दिस इज नॉर्मल मोड एंड दिस इज स्पोर्ट्स मोड। ये वाला स्पोर्ट्स मोड, ये नॉर्मल, इकोनॉमिकल एंड स्नो, देन दिस इज गियर। तो गियर इसका हमेशा स्पेशल होता है, जैगुआर का और रेंज रोवर का, सबका ही सेम होता है। तो ये पार्किंग, ये पार्किंग पे आ गई, देन रिवर्स, तो रिवर्स में ये रिवर्स कैमरा ऑन हो गया है, देन न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल पे आ गई, ड्राइव, ड्राइव मोड एंड देन स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड पे ये दबा के और इधर किया तो ये स्पोर्ट्स मोड पे आ गया। स्पोर्ट्स मोड पे डायरेक्ट नहीं आता, इसको ये घुमाऊंगा तो मैं नहीं घूमेगा, दबा के और इधर करूंगा तो ये स्पोर्ट्स मोड पे आ जाएगा। देन सिंपल सिंपल चीज़ें यहाँ पे, लाइटर इसका, इंजन ऑन ऑफ स्विच, एसी कंट्रोल्स, देन दिस इज द स्टीरियो वॉल्यूम, सीडी एंड यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है ये। तो ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है यहाँ पे, इधर का अलग कर सकता हूँ और इधर का अलग कर सकता हूँ मैं। देन द स्क्रीन, सो द स्क्रीन इज बिग एंड लार्ज, इट्स वेरी क्लियर। ये मैंने होम दबाया एंड ये स्क्रीन आ गई। तो स्क्रीन इज वेरी इंफॉर्मेटिव, काफ़ी डिटेल्ड स्क्रीन है वैसे ये, एंड काफ़ी सारी चीज़ें दिखा देती है। देन हियर इज द सेटिंग, तो ये मैंने सेटिंग की, तो ये सेटिंग आ गई, होम सेटिंग, ऑल सेटिंग, ऑडियो सेटिंग। तो सेटिंग जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये मैंने बंद किया। देन द म्यूज़िक सिस्टम, सो दिस इज द सीट, तो आप सीट भी कम्प्लीटली यहाँ से सेट कर सकते हो। क्लाइमेट एंड ऑल द थिंग्स फ्रॉम हियर ओनली, ये पूरा म्यूज़िक सिस्टम आ गया। तो म्यूज़िक सिस्टम इसका DTS है, ये इसने क्लियर दिखा रहा है, तो ये दोबारा नहीं दिखाया। चलो फ़ोन एंड देन नेविगेशन, तो नेविगेशन भी है, एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर, एंड कॉकपिट नेविगेशन भी है जो यहाँ पे दिखा रहा है। तो मोड्स अगर मैं चेंज करूँगा तो मोड्स मैं अभी चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, और इधर भी देख लो ये मोड्स कैसे दिखाता है। तो ये अभी रेस मोड पे है तो रेड दिखा रहा है, देन दिस इज ड्राइव मोड, ये इकोनॉमिकल मोड पे आ गया, एंड दिस इज फॉर स्नो, सो रेन, आइस, स्नो, ये तीनों का कॉमन है। तो गाइस वैसे ये एसयूवी ना सुंदर बहुत है, जैगुआर की कार्स वैसे भी, खैर इट्स ऑल अबाउट लुक्स, लुक्स बहुत अच्छा होता है, इंटीरियर की फीलिंग बहुत अच्छी होती है। ड्राइव क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो, अगर मैं पॉइंट्स दूं तो दिस इज 8 out of 10। ड्राइविंग क्वालिटी अच्छी है वैसे, पावर बहुत है, ड्राइविंग क्वालिटी अच्छी है। बट अगर मैं BMW की कार्स की बात करूं तो BMW थोड़ी सी बेटर लगती है मुझे पर्सनली, बट दिस इज अ गुड कार, मजा आ रहा है मुझे चलाने में, पावर बहुत ज्यादा है, एज आगे स्ट्रेच नहीं मिल रहा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो ट्रैफिक एक बार देखो, ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है, तो मैं स्ट्रेच मुझे नहीं लगता कि आज कर पाऊंगा कार को,
बट स्टिल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जहाँ पे भी एक स्ट्रेच आया वहाँ पे आपको पावर जरूर एक बार दिखा दूंगा. तो वैसे मैं स्पोर्ट्स मोड भी चला रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स मोड इस कार में डायनेमिक मोड कहते हैं, मतलब जैगुआर कंपनी इसको डायनेमिक मोड कहती है, बट इट्स एक्चुअली स्पोर्ट्स मोड. बहुत पावरफुल हो जाती है कार एंड बहुत डिफरेंटली एक्ट और रिएक्ट करती है. सो एज यू कैन सी कार इज बिग, रूम साइज बहुत बड़ा है कार का एंड आई एम सिटिंग काफी हाई. कार बैठने के बाद बहुत बड़ी लग रही है, आसपास की कार्स बहुत छोटी छोटी लग रही हैं, फीलिंग आ रही है कि मतलब आई एम सिटिंग इन अ ह्यूज कार. तो ऑल एंड ऑल मजा आ रहा है चलाने में एंड देखते हैं कोई स्ट्रेच मिल गया तो और भी मजा आ जाएगा, पावर टेस्ट हो जाएगी थोड़ी सी. तो गाइस इसका वर्चुअल नेविगेशन देखो कितना स्मार्ट है, ये बकायदा यहाँ से पूरा दिखा रहा है पश्चिम विहार लेफ्ट, आजादपुर राइट, मतलब आगे से मुझे फ्लाईओवर पे कहाँ चढ़ना है वो दोनों प्रॉपरली दिखा रहा है. दिस इज अ गुड फीचर. यहाँ पे भी इसमें नेविगेशन दिख जाता है, तो ये मैंने नेविगेशन दबा दिया तो ये प्रॉपर नेविगेशन यहाँ पे भी दिखा रहा है, बट यहाँ सिर्फ ये डायरेक्शन दिखा रहा है ये गाड़ी कहाँ जा रही है और ये बता देगा कि हमें कहाँ जाना है, बट ये बहुत ही प्रॉपर दिखा रहा है, बहुत ही प्रॉपर. मतलब मेरे को फ्लाईओवर चढ़ना है तो ये राइट प्रॉपरली दिखा रहा है, मेरे को फ्लाईओवर चढ़ना है तो आजादपुर की तरफ सीधा और लेफ्ट की तरफ जाना है तो पश्चिम में है. मेरे को आगे रोड थोड़ी सी फ्री मिल गई है, इसकी पावर दिखा रहा हूँ. तो भाई इसकी पावर तो खैर है ही और पावर के साथ में ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत अल्टीमेट ब्रेकिंग है. मैंने भी जैसे ही मतलब फुल 100 पे जैसे ही आए और ब्रेक दबाई इमिजिएटली मतलब रिएक्ट किया इसने, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया. एज इट्स अ बिग कार तो बड़ी कार्स जितनी भी होती हैं एसयूवी वगैरह टाइप की तो उनकी ब्रेकिंग ना हमेशा थोड़ी सी डिफरेंट एक्ट एंड रिएक्ट करती है अगर हम सेडान से कंपेयर करते हैं तो. बट अच्छी है ब्रेकिंग, इट्स गुड, वेरी रिस्पॉन्सिव और मजा आया. तो भाई ऐसे देखते हैं इसके कुछ डोर्स. डोर्स पे अगेन मेमोरी सीट्स, तो मेमोरी आप 4 पे सेट कर सकते हो, 3 पे सॉरी 1, 2, 3 पे सेट कर सकते हो. अनलॉक लॉक, मेरिडन स्पीकर्स कार के अंदर ऑलरेडी हैं, देन द पावर विंडोज एंड बाहर के मिरर्स एडजस्ट करने के नॉब. तो भाई अंदर से गाड़ी देख लो, इट्स लुकिंग वेरी प्रीमियम और मज़ा ही आ गया भाई बैठ के. अंदर काफ़ी देर से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, सो द सीट्स आर ऑल लेदर एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल बहुत है, प्रॉपर बकेट है, ये सीट एडजस्टमेंट्स हैं. देन स्टीयरिंग कंट्रोल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. सनरूफ इसकी बहुत ही स्पेशल है एज इट्स बिग, इट्स वेरी वेरी बिग. गाइस ये है इसका पीछे का कंप्लीट सेटिंग एंड बिलीव मी इट्स लुकिंग वेरी कम्फर्टेबल. यहाँ पे दो कप होल्डर, पीछे एसी वेंट्स एंड एसी कंट्रोल, तो 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल कार है ये. एम्बियंट लाइटिंग है इस कार में, तो ये पूरी एम्बियंट लाइटिंग है, अभी नज़र नहीं आ रही क्योंकि रोशनी काफ़ी तेज है, बट द कार इज एक्चुअली स्पेशियस एंड लुकिंग बिग. लुक एट द कार, इट्स लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. SUVs नॉर्मली इतनी ब्यूटिफुल नहीं होती, तो F पेस बहुत ही एरोडायनेमिक लग रही है पूरी कार, एक पूरी प्रॉपर एरोडायनेमिक शेप है कार की एंड भाई गाड़ी एक्चुअल में काफ़ी बड़ी है. द एलॉय साइज इज ग्रेट, सो दिस इज 19 inches, 255 wall. लाइट्स आर लुकिंग वेरी प्रीमियम. ड्यूल एग्जॉस्ट टिप एक ही साइड पे है, कॉर्ड नहीं है एंड बिलीव मी भाई दिखने में तो बहुत ही प्यारी लग रही है. तो आगे का लुक दिखाता हूँ. आई रियली लाइक दिस जैगुआर वेंट जो यहाँ पे है ये, तो ये जैगुआर वेंट आ गया है यहाँ पे, जैगुआर लिखा हुआ है एंड दिस इज अ वेंट, सो दिस इज नॉट फेक, दिस इज रियल. सो जस्ट लुक एट दिस फ्रॉम फ्रंट भाई, बहुत ही प्यारी लग रही है भाई, बहुत ही प्यारी, मतलब वर्ड्स नहीं है. लुक्स तो 10 out of 10 एंड हेडलाइट्स बहुत स्मार्ट लग रही है. यहाँ पे ये जैगुआर का लोगो एंड बोल्ड लुक आगे से. आई रियली लाइक द वेंट्स एंड नीचे वहाँ पे ये DRL. तो भाई गाड़ी लग रही है बहुत ही बढ़िया सीरियसली. तो थोड़े से इसके शॉट्स देख लो. We'll be right back.
गाइस अब मैं दिखा रहा हूँ पैडल शिफ्टर्स, तो ये रहे इसके पैडल शिफ्टर, ये माइनस है और यहाँ पे ये प्लस है। तो ये अभी स्पोर्ट्स मोड पे है, एस लिखा हुआ रहा है और डायनेमिक पे है, तो दिस इज वन। एंड अगर मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ तो दिस इज टू, थ्री। तो थ्री अभी गाड़ी खड़ी है इसलिए थ्री लेगा नहीं, बट अगर मैं माइनस करूँगा तो ये वन पे ज़रूर आ जाएगी। तो अब मैं चालू कर रहा हूँ कार चलाना और बस अब आप देखते जाओ। तो ये चल रही है वन पे, अब ये देखो ये मैं यहाँ से प्लस कर रहा हूँ, ये आ गई सेकेंड पे। एंड अगर मैं अब थर्ड लगाऊंगा तो थर्ड पे भी आ जाएगी, तो ये मैं कर रहा हूँ थर्ड पे, ये थर्ड आ गई। एंड अगर मैं अब फोर्थ करना चाहूँ तो ये आ गई फोर्थ, तो फोर्थ अभी ले नहीं रही क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड है इसलिए फोर्थ नहीं ले रही। पर मैं अगर इसी स्पीड पे मैं थर्ड पे से फर्स्ट पे लाना चाहूँ तो ज़रूर आ जाएगी। तो ये आ गई सेकंड और ये आ गई फर्स्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट पैडल शिफ्टर्स। बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे टाइम से आ रहे थे तो मैंने बिल्कुल परफेक्टली समझा दिया कि पैडल शिफ्टर कैसे काम करता है। कैसी लग रही है कार बताना मुझे कमेंट्स में। तो ये है जैगुआर की एफ पेस 2.0 डी, डी मतलब डीजल, और ये मॉडल है प्रेस्टीज। तो जनवरी 2018 की कार है ये, फर्स्ट ऑनर, एंड इट्स 13,000 किलोमीटर्स डन कार ओनली, मतलब सिर्फ 13,000 किलोमीटर चली हुई है। माइक्रो हाइब्रिड है ये, अगर इकोनॉमी मोड पे चलाते हैं अपन तो इट्स अ ग्रेट कार यार, मतलब मुझे चला के बड़ा मजा आया कार को। और रिसेंटली सर्विस्ड है, नई कार आती है ये 72 लाख रुपीस की, और 13,000 किलोमीटर चली हुई, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार, ऑलमोस्ट स्क्रैचलेस। तो इस कार की अगर डिमांड की बात करें तो डिमांड इज 56 लाख रुपीस, 56 लाख रुपीस की अवेलेबल है ऑटो बेस्ट एम्पीरियो पे। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो ऑटो बेस्ट एम्पीरियो पे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर है 8888858886, नीचे स्क्रीन पे भी आ चुका है, वेब पेज पे भी आप लॉग इन कर सकते हो और पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी वेब पेज पे, पूरी कंप्लीट डिटेल आपको वेब पेज पे भी मिल जाएगी। तो आप किसी भी कार की डिटेल लिख सकते हो वेब पेज पे और आपको कंप्लीट डिटेल, क्या सर्विस रिकॉर्ड्स हैं, क्या ट्रैक था, कितनी पुरानी है, कितने ऑनर्स हैं, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो एंड्रॉयड और iOS ऐप भी है अपनी ऑटोबेस्ट एम्पीरियो की, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो इसमें है एम्बिएंट लाइटिंग, एम्बिएंट लाइटिंग मतलब पूरी कार में, ये अब एम्बिएंट लाइटिंग देख लो आप, ये दिख रही साइड में डोर्स पे है, एंड यू कैन चेंज द कंप्लीट कलर्स। तो बहुत ही अच्छी लग रही है, कंप्लीटली आप अपने मूड के हिसाब से लाइटिंग चेंज कर सकते हो। तो बहुत ही एक स्पेशल चीज है वो है इसकी सनरूफ, तो सनरूफ इज वेरी बिग, बिलीव मी ये एक्चुअल में बहुत बड़ी है। तो दिस इज पैनारोमिक सनरूफ एंड इट्स बिग, कार का क्या पूरा नजारा ही चेंज हो जाता है इतनी बड़ी सनरूफ अगर खुल जाती है। तो इसकी बूट स्पेस चेक कर लो एक बार, बूट स्पेस काफ़ी अच्छी है इस कार की, ऑल्दो दिस इज अ 5 सीटर कार, तो भाई बूट स्पेस इज अमेजिंग एंड इट्स बिग, ये एक्चुअल में काफ़ी बड़ी बूट स्पेस है। मैं निकल गया हूँ शोरूम से, अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, बट अब मैं जा रहा हूँ एक जगह पे जो है इन्फिनिटी कुछ शूज करके है, इंस्टाग्राम पे मैंने इनको फॉलो किया था, एंड शूज़ बहुत ही अच्छी वैरायटी है भाई, तो बहुत सस्ते भी हैं और अच्छी वैरायटी भी है, दोनों बातें थी। तो मैं चल रहा हूँ थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, अगर अच्छे लगेंगे तो एक दो पेयर लेने का प्लान है। सो लेट्स मूव टू इन्फिनिटी, जो भी शॉप है तिलक नगर में है, तो मैं चल ही रहा हूँ अभी, तिलक नगर जा रहा हूँ नारायण से। भाई मैं आ गया हूँ तिलक नगर मार्केट, भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कार पार्किंग लकीली मुझे मिल गई। मैं आ गया हूँ बिल्कुल एंड में, ऑलमोस्ट तिलक नगर के एंड में, और मेरे ख्याल से बस यहीं पे ये शॉप आने वाली है। मैं पहुंच गया हूँ शूज शॉप पे, एज यू कैन सी अ लॉट ऑफ वैरायटी हियर। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बना रहा हूँ बिकॉज आप लोगों को पता है मैं ऐसी चीज़ें
प्रमोट नहीं करता हूँ या वीडियोस ऐसे नहीं बनाता हूँ, स्टिल आई एम बाइंग सम शूज क्योंकि मुझे वाकई में बहुत पसंद आए। इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लेना। COD ये नहीं देते हैं बट डिलीवरी देते हैं और कुरियर भी कर देंगे। तो गाइज मैंने लिए 3 पेयर ऑफ शूज़, एक मैंने ये लिया है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये एक्चुअल में बहुत अच्छा लग रहा है। सो दिस इज वेपर मैक्स ऑफ वाइट सीरीज, जो इसकी ओरिजिनल बेसिकली मॉडल आता है वो वाला। प्राइस की लीजिए 2300। एक ही वाला शूज लिया है, एयरफोर्स यूटिलिटी, एंड मुझे ये शूज पहनने के बाद एक्चुअल में बहुत अच्छा लगा। तो ये वाला अब नेक्स्ट व्लॉग में कभी ना कभी देख ही लोगे पहने हुए, तीनों के तीनों। ऐसा की प्राइस है 1900 का है ये। सो दिस इज एयर मैक्स एक्सेस, और मुझे ये भी बहुत स्मार्ट लगा शूज। तो एक मैंने पेयर ये ले लिया, ये है 1800 का। ये है कार्ड शॉप का, इसमें एड्रेस भी आ रहा है, फोन नंबर भी आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, आप बकायदा ऑर्डर दे सकते हो जब भी आपको लेने। तो गाइस ये थी पीछे शॉप और मैं निकल गया हूँ अब शॉप से। शॉपिंग बैग ये रे आशीष लेके चल रहा है। तो 3 पेयर ऑफ शूज जो मैंने दिखाए वो अब नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको दिखी जाएंगे। प्राइस ठीक थे, मैंने थोड़ा बहुत डिस्काउंट ले लिया है तो हल्का सा बार्गेन करते हैं ये, बहुत ज़्यादा नहीं किया इन्होंने बट हाँ थोड़ा बहुत बार्गेन किया है। शूज़ की वैरायटी एक्चुअल में काफ़ी अच्छी थी। तो अब चल रहे हैं वापस कार पे और मोस्ट प्रोबेबली आज वीडियो मैं कार के अंदर ही एंड कर दूंगा क्योंकि मैं यहाँ से वैसे भी घर ही जाऊँगा। तो भाई कैसे लगे शूज़ बताना मुझे, और कैसी लगी आज की जैगुआर की ड्राइव वो भी बताना मुझे। तो आज बस ऐसे ही घूमते फिरते मेरा पूरा दिन ख़त्म हो गया। गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू फैमिली।